दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों के साथ है अपनी कैटेगरी में बेस्ट हीरो द्वारा लॉन्च की हुई दो बाइक्स, और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों ही एक्सटेक हैं। तो आज इस वीडियो में ग्लैमर एक्सटेक को कंपेयर करने वाले हैं लेटेस्ट और न्यूली लॉन्च्ड आपकी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक से। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अतुल द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ, एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए। ये दोस्तों हमारे सामने है दोनों ही बाइक्स, आपकी स्प्लेंडर प्लस और इधर है आपकी ग्लैमर एक्सटेक। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइन की बात करता हूँ, तो आप अगर ग्लैमर एक्सटेक को देखेंगे तो एनी डे ये आपको ज़्यादा स्पोर्टी, स्टाइलिश, एजी और बिग बाइक फील देने वाली है कंपैरिजन टू आपकी स्प्लेंडर प्लस। और यहाँ पे जैसा कि देख भी सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ये बाइक आपको मस्कुलर लगेगी, चाहे आप इसकी फ्रंट हेडलैम्प देखेंगे या फिर इसका टैंक देखेंगे या फिर पीछे की डिज़ाइन आप नज़र डालेंगे तो ये देखिए बहुत ज़्यादा आपको प्यारी लगने वाली है। दूसरी चीज़ की फीचर्स यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर मिलते हैं, ऑल एलईडी टेल लैम्प मिल जाएगी, टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के बल्ब मिल जाते हैं, और उसी के साथ अगर आप नज़र डालेंगे इसके फ्रंट में तो ऑल एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाएगी। बाकी दूसरी तरफ इधर देखेंगे तो ऑल हैलोजन हेडलैम्प दी गई है, एक DRS दिए गए हैं एलईडी वाले, बाकी बल्ब आपको मिल जाते हैं इधर। और पीछे देख सकते हैं यहाँ भी आपको जो है बल्ब ही देखने को मिलता है, और ये इसके टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं और ये आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। यानी फीचर्स के मामले में एनी डे ग्लैमर ज़्यादा बेटर है। अगर मैं स्प्लेंडर की बात करता हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है स्प्लेंडर बाइक का ये कलर। और ये अभी लेटेस्ट ही लॉन्च किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, आगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं देखने में, देखिए ये है ये है। एक तरफ अगर आप लुक्स की बात करूँ तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा पसंद कौन सी आती है, ज़्यादा स्टाइलिश, स्पोर्टी, एजी, बिग बाइक ये है, वो एलिगेंट, सिंपल सी और पहले से आने वाली जो आपकी बाइक, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की पसंद भी है, बहुत सारे उसको भी पसंद करते हैं, तो ये आपके ऊपर मैं कम्प्लीटली छोड़ता हूँ। अगर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फीचर्स मैंने आपको बताए ही हैं, ज़्यादा फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। फ्रंट में यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक के साथ भी आती है, यानी ये वाला आपका ड्रम ही है, बाकी डिस्क ब्रेक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टायर्स की बात करता हूँ तो ये देखिए मेंशन किया गया है 80x100 का टायर, उसमें भी 80x100 का टायर। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपकी स्प्लेंडर में भी आपको मिल जाएगा। और पीछे टायर की बात करता हूँ तो 100x80 है, जबकि उसमें जो आपका सेम वही 80x100 वाला है, ये देखिए 18 इंच। और इस साइड देखेंगे तो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करता हूँ अलॉय व्हील्स की, तो यहाँ पर आपका 18 इंच का भी मिल जाएगा व्हील। अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर इसमें मिलने वाली है, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स लगेंगे। प्लस जो सस्पेंशंस की क्वालिटी है अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो थोड़े ज़्यादा बेटर आपको सस्पेंशंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि एक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है, और हाइड्रोलिक आपको शॉक एब्जॉर्बर आपकी स्प्लेंडर में भी देखने को मिलते हैं। तो इस साइड से भी आप देख लीजिए, चलिए ये एक 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए हुए हैं। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, लेकिन इसका ट्रैवल जो है वो है 81 mm का, यानी ज़्यादा बेटर आपका इससे ये होने वाला है आपकी ग्लैमर का सस्पेंशन। पीछे हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब चलिए बात करता हूँ मैं इसके इंजन की, उसके बाद बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो दोनों में ही जो आपको इंजन मिलने वाला है दोस्तों, सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड, BSX कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन के साथ आने वाला इंजन मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ आपके इस वेरिएंट की, यानी ग्लैमर के एक्सटेक की, तो यहाँ पे आपको 124.7 cc का इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.72 bhp एट 7500 rpm, और मैक्स टॉर्क मिलेगा 10.6 Nm एट 6000 rpm। और दूसरी तरफ अगर आप स्प्लेंडर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 97.2 cc का इंजन मिलेगा, जो कि 7.91 bhp की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 8000 rpm पर, और मैक्स टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का एट 6000 rpm। यानी पावर्स में कम्प्लीटली आपकी जो ग्लैमर है वो आपके स्प्लेंडर को बीट कर देती है। कंफर्ट की बात करता हूँ अब, और कंफर्ट भी एक बहुत ही ज़्यादा जो बड़ा एक्सपेक्ट है वो है। तो देखिए कंफर्ट, अगर राइडिंग कंफर्ट की बात करूँ तो पावर ज़्यादा है, तो हाईवे वगैरह पे उस पर आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 डाउन और 4 अप मिल जाएंगे, जबकि इसमें आपको 4 स्पीड का ही ट्रांसमिशन मिलता है। तो एक तो पावर हो गई, और दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो सीट्स उसकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की हैं कंपेरिजन टू आपकी स्प्लेंडर की सीट। हालाँकि ये भी आपकी ख़राब नहीं है, बट ये आपकी ज़्यादा बेटर है। ये देखिए इसकी कुशनिंग भी बेटर है, और इसका टेक्सचर्स भी आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है, यानी सीट्स भी आपको ज़्यादा बेटर इस पर मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि अभी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ
व्यू बन गया है आपकी स्प्लेंडर के लिए, यूएसपी बन गया है। अगर तो हमें फीचर की, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूएसपी बन गया है आपकी स्प्लेंडर एक्सटेक का, वो है इसका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ट्रिप मीटर, ये लो फ्यूल ऑन फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, और देखिए कि ये भी ट्रिप मीटर, ये है आपका ट्रिप ए ट्रिप बी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। ऑडोमीटर मिल जाता है, ये आपका स्पीडोमीटर, और यहाँ पे कॉल्स मैसेज नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तो वो आपके शो होने वाले हैं, और नंबर वगैरह नहीं दिखाएगा, सिर्फ यहाँ पे वो इंडिकेट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, बस वही आइकॉन शो करने वाला है। बाकी एवरेज जो है फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे दिखाएगा। लो फ्यूल वार्निंग फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है, और लो फ्यूल वार्निंग का इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसी के साथ दूसरी तरफ अगर आप ग्लैमर एक्सटेक को देखेंगे तो ये नेविगेशन के साथ आता है, नंबर वगैरह सब कुछ दिखाएगा, मैसेजेस वगैरह भी आपको इस पे शो होने वाले हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको नज़र आएंगे। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है। इसकी बैटरी नहीं कनेक्टेड है जिसकी वजह से कम्प्लीटली शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट टन ऑफ फीचर्स इसमें मिलते हैं जो कि आपको स्प्लेंडर एक्सटेक में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी एनी डे फीचर्स के मामले में भी ये आपकी बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है। अब बात करते हैं कि माइलेज कौन सी आपको कितना देने वाली है, तो आप जो माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी ग्लैमर से वो समवेयर अराउंड 55 तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, डिपेंड करता है कि आप राइड कैसे करते हैं। और अगर मैं इस तरफ बात करता हूँ आपके स्प्लेंडर प्लस की, तो इसमें आपको कम पावर मिलती है, तो जिसकी वजह से आप इससे 70-75 तक का भी माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा माइलेज के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा पावर के लिए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि दोनों ही बाइक्स को देखा, अगर मैं बात करता हूँ कि किसे कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, तो अगर आप 10,000 कम एक्सपेंड करना चाहते हैं और आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, और उसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको क्या है कि नोटिफिकेशन कॉल वगैरह आए, नंबर वगैरह शो ना करें, एक्स्ट्रा जो एडवांस फीचर है नेविगेशन उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और पावर आपको कम चाहिए बट माइलेज ज़्यादा चाहिए, एक रिलायबल बाइक चाहिए, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात ना हो उसमें, सालों साल चले भरोसा रहे, तो आप स्प्लेंडर प्लस के लिए जा सकते हैं। और अगर आप एक स्टाइलिश स्पोर्टी एजी एलिगेंट सी दिखने वाली मॉडर्न लुक के साथ आने वाली, प्लस डिसेंट माइलेज भी यहाँ पे मिलेगी, और जो फीचर्स हैं चाहे नेविगेशन की बात करता हूँ वो भी मिलेगा, नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, कॉल वगैरह आएगा तो उस पर आपका नंबर भी शो होने वाला है, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको आपकी ग्लैमर में देखने को मिलती हैं, तो ये डिटेल्स आपको इसमें नहीं मिलेंगी। सो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए, या फिर आपको चाहिए रिलायबिलिटी या ज़्यादा माइलेज। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पसंद कौन सी है, आप एक्सटेक ये लेना चाहते हैं या फिर एक्सटेक ये लेना चाहते हैं, यानी ग्लैमर या फिर स्प्लेंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से तो ज़रूर विजिट कीजिए जनता हीरो मोहनगंज में, इनका आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नंबर दे दिया जाएगा।